बोलो चुनाव का माहौल है पूरे देश में, चुनाव का माहौल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और 2019 के चुनाव में अगर किसी ने शुरुआत की हो तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 9 दिसंबर रमाबाई मैदान से अपनी शुरुआत की, अभी तक किसी पार्टी ने शुरुआत नहीं की। उसके बाद 18 कमिश्नरियों का कार्यक्रम शुरू है, कोई पार्टी दूर दूर तक मैदान में जीत नहीं रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लेकिन मैदान में कोई पार्टियां दिख नहीं रही है। मैदान में बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मैदान में है, 18 कमिश्नरियों में लगातार कार्यक्रम शुरू है। उसके बाद 80 लोकसभा में 80 लोकसभा में संयुक्त कार्यक्रम होंगे और ये कार्यक्रम प्रस्तावित पार्टियों का पसीना चुरा देगा। निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी ये पूरे देश की आशा का केंद्र और उम्मीद बन चुकी है। साथियों, भाई साहब थोड़ा हट जाइए, इस देश में चुनाव निष्पक्ष हो नहीं रहा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ईवीएम मशीनों से चुनाव करवाओगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मशीनों से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। 13 में आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने और मशीनों से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। मशीनों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और बीजेपी जगह जगह मशीनों का इस्तेमाल किया। उस ईवीएम मशीनों के विरोध में कोई भी बोल नहीं रहा है, हमारे अलावा कोई बोल नहीं रहा है। अगर बहन मायावती जी और अखिलेश यादव जी आपका गठबंधन मजबूत है तो मेरा खुला चैलेंज है, ईवीएम का आवाज उठाकर दिखाओ। ईवीएम का आवाज उठाकर दिखाओ। भारत की सभी पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही है और बीजेपी समर्थन कर रही है और आप बोल नहीं रहे हो। जो पार्टी ईवीएम का आवाज नहीं उठाएगी और बीजेपी को परास्त नहीं कर सकती, मैं अभी से आपको लिखकर दे सकता हूं, बीजेपी क्या करेगी और सपा बसपा को 15-15-20 सीट दे देगी और 40 सीटें दूसरे राज्यों में से मैनेज कर लेगी और 2024 तक बीजेपी सर पर राज करेगी, अलग अलग राज्यों में से 100 सीट मैनेज करेगी और एक ईवीएम पर बोलेंगे नहीं। अगर बीजेपी को वास्तव में प्राप्त करना चाहते हो तो ईवीएम का मुद्दा उठाओ। हमें डर नहीं लगता, आपको कौन सी बात का डर लग रहा है भाई, आपको कौन सी बात का डर लग रहा है? ईवीएम से आपके वोटों की चोरी हो रही है और ईवीएम से ही प्रधानमंत्री बने थे और बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने दिखाए, इतने बड़े सपने दिखाए कि लोगों ने आंख बंद करके 15 लाख की लालच में वोट दिया और 15-7 देश को पीछे धकेल दिया और उन्होंने कहा मैं देश का चौकीदार हूं और बाद में चौकीदार को नींद आ गई। विजय माल्या 15 विजय माल्या लेकर भाग गया 9,000 करोड़,
सुशील मोदी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, चौकीदार कर क्या रहा है? मैं आपको पूछना चाहता हूं सिपाही, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आपके नाम पे कोई चौकीदार हो और एक बार दो बार तीन बार चोरी हो जाए तो आप क्या करोगे? चौकीदार बदल दोगे ना? 2019 के चुनाव में चौकीदार बदलना जरूरी है। 2019 के चुनाव में चौकीदार को बदलना जरूरी है। और अगर ईवीएम का ईवीएम को आप मुद्दा बना दो चौकीदार परेशान हो जाएगा। आप चौकीदार की परेशानी बढ़ाना नहीं चाहते, द्वारा सर पर थोपना चाहते हैं। और उस समय उन्होंने कहा कि मैं भी पिछड़े वर्ग से हूं, पिछड़ी जाति से वोट लेने के लिए, और मेरा 56 इंच का सीना ऐसा कहा। अगर नरेंद्र मोदी आपका 56 इंच का सीना है तो पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना करके दिखाओ। अगर 56 इंच का सीना है, अगर 56 इंच का सीना है क्रीमिलियर हटाकर दिखाओ। अगर 56 इंच का सीना है क्रीमिलियर हटाकर दिखाओ। बड़े बड़े वादे किए, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख अच्छे दिन, और झूठ बोलने में बहुत माहिर है, इतना माहिर है। आपने सुना होगा न्यूरोलॉजिस्ट होता है, एक डॉक्टर होता है न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, दुनिया में फेकोलॉजिस्ट देखा क्या? फेकोलॉजिस्ट है। इसलिए मैंने कहा उसका कार्यक्रम है 56 इंच का सीना, झूठ बोलकर जीना। उसका कार्यक्रम है देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। उसका कार्यक्रम है 56 इंच का सीना, झूठ बोलकर जीना। और बड़े बड़े वादे किए, और आपके यहां कहावत है, एक कौन सी कहावत है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मैंने थोड़ा चेंज किया है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तीन मोदी गए लूट, चौथा बोल रहा है झूठ। जिंदाबाद, तीन मोदी गए लूट, चौथा बोल रहा है झूठ। अभी साढ़े चार साल में कोई काम नहीं हुआ, जो बड़े बड़े वादे किए कोई भी काम नहीं हुआ। और कहता मेरा 56 इंच का सीना है, अरे रोहित बोला कि क्या हुई, 56 इंच के सीने वाले ने कुछ नहीं बोला। अखबार के क्या हुई, 56 इंच के सीने वाले ने कुछ नहीं बोला। और भारत के संविधान को दिल्ली के जंतर मंतर पर जलाया गया, 56 इंच के सीने वाले ने कुछ भी नहीं बोला। कहां है 56 इंच का सीना? संविधान को जलाया जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कहां है 56 इंच का सीना? और गुजरात में हत्या हो, गुजरात में पिलाई हुई जान, मरे हुए जानवरों के लिए दलितों की, तो 56 इंच के सीने वाले कहते हैं दलितों को मत मारो, मुझे मारना हो तो मारो। इतना लाचार, इतना बेबस। साथियों, शिवपाल जी का फ्लाइट है, वाराणसी से दिल्ली जाना है, कार्यक्रम शुरू रहेगा। ये जो कार्यक्रम चल रहा है वापस आ रहे, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, अब इन साढ़े 4 साल में कोई भी काम नहीं हुआ, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए कभी दोबारा 25 नवंबर को अयोध्या में लोगों को इकट्ठा करते हैं, कभी बुलंदशहर की घटना कराते हैं दौरत्या के नाम पर लोगों का ध्यान हटाने के लिए। और अभी 10% सवर्ण लोगों को आरक्षण देने का नया सबूत छोड़ा, क्योंकि 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ,
तो नया उन्होंने 10% छोड़ा को आरक्षण, 10% छोड़ों को आरक्षण का नया सबूत जोड़ा और सारा ध्यान लोगों का हट गया। और आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हो आप, तो मैं कहना चाहता हूं अगर आरएसएस का भागवत आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहा है, बीजेपी आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रही है, कांग्रेस आर्थिक आधार पर आरक्षण कर रही है बात, और अखिलेश भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, और मायावती जी भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो आरएसएस का एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा आर्थिक आधार पर आरक्षण है और आपका भी एजेंडा वही है, तो फर्क क्या है आपके एजेंडे में? जो बीजेपी का एजेंडा वही आपका एजेंडा लागू कर रहे हो, कौन सा नया काम कर रहे हो? इस आर्थिक आधार पर आरक्षण को कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई पार्टियां विरोध नहीं कर रही है, और कोई पार्टियां विरोध नहीं कर रही है और समर्थन कर रही है। मैं इस मंच से खुलेआम कहना चाहता हूं, कोई पार्टी भारत में विरोध करे या न करे, बहुजन मुक्ति पार्टी इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरेगी आर्थिक आरक्षण के विरोध में, उतरेंगे हम सड़कों पर। मैं किसी जाति विशेष का विरोध नहीं हूं, हम चाहते 100% आरक्षण हो, जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को क्या हो गया पता नहीं, आप 2.5 लाख का अगर आपकी इनकम है तो बोलते आप अमीर हो, टैक्स भरना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख इनकम है तो टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। अब 2.5 लाख वाला अमीर आदमी हो गया, टैक्स भर रहा है, और 8 लाख वाला स्वर्ण आदमी गरीब हो गया। ओबीसी का 6 लाख रुपया इनकम है तो बोलते आप क्रिमिनियर में आते हैं, आप अमीर हो, आप गरीब नहीं हो। आप ओबीसी वाले 6 लाख कमा लेते हो, गरीब नहीं हो, अमीर हो, तो 8 लाख वाला स्वर्ण कहां से गरीब हो गया? 6 लाख वाला अमीर और 8 लाख वाला गरीब। इस देश में संख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस मुद्दे पर पूरे भारत में हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, बकायदा उतरेंगे सड़कों पर, और जो आरक्षण हमारा समाप्त हो गया निजीकरण में, समाप्त कर दिया गया, उस निजीकरण में भी आरक्षण होना चाहिए। हमारा मुद्दा है निजीकरण में आरक्षण दो, सरकारों के पैसे से कंपनियां चलाते हो, सरकारी डिपार्टमेंट खत्म करके सरकार के पैसे से प्राइवेट कंपनियां चला रहे हो, तो उस कंपनियों में भी आरक्षण दो SC ST OBC को। वो एजुकेशन आपका खत्म करे है, एजुकेशन खत्म करे आपका। 40 साल पहले अगर गरीब आदमी मजदूर आदमी डॉक्टर इंजीनियर बनाया बच्चों को, आज डॉक्टर बनाना हो 1 करोड़ रुपया चाहिए, है क्या आपके पास? इंजीनियर बनाना हो 50 लाख रुपए चाहिए। एजुकेशन खत्म कर दिया, पूरा देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गई है। आप कहते पैसा है बच्चे को पढ़ा, नहीं तो मत पढ़ा। और आरक्षण खत्म कर दिया, एजुकेशन के लिए बोलते बजट नहीं है, आरक्षण समाप्त कर दिया, और जमीनें उद्योगपतियों को दे रहे, टाटा बिरला अंबानी को दे रहे 1 रुपये मीटर में, 1 रुपये में 1 मीटर, लाखों मीटर दे रहे हैं। आपको देने वाला कोई? लाखों मीटर उद्योगपतियों को दे रहे हैं जमीनें, और 1 रुपये मीटर में, और दूसरी साइड हमको बेवकूफ बनाने के लिए विकास की बातें करते हैं। विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अरे 5,18,528 किसानों ने आत्महत्या किया है,
5,18,528 किसानों ने आत्महत्या किया है भारत में अभी, और किसानों का कर्ज माफ करने के लिए बोलते बजट नहीं है। 12,07,000 किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार कहती है बजट नहीं है, और 3 साल में उद्योगपतियों के 17,15,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। उद्योगपति का माफ करने के लिए पैसा है और किसानों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लिया था, 4.5 साल में 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ है, 1,10,213 महिला पर बलात्कार हुआ है, और पिछले साल 38,000 बलात्कार हुआ है। और ये आंकड़ा मेरा नहीं है, सरकारी है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट का आंकड़ा है। और 38,000 में 19,000 नाबालिगों के ऊपर बलात्कार हुआ है, 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, सामूहिक बलात्कार। क्या आसिफा मालूम नहीं है क्या? क्या बिहार का मालूम नहीं है आपको? 34-34 बच्चियों पर बलात्कार हो रहा है, 56 इंच के सीने वाला कुछ बोल नहीं रहा है। 19,000 नाबालिगों के ऊपर बलात्कार हुआ, और महिला सुरक्षा के लिए निर्भया योजना के तहत 5,000 करोड़ रखा और अमल किया, 40% केवल 2,000 करोड़। महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ और गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़। महिला सुरक्षा के लिए 2,000 करोड़ और गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर आदिवासी आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं नक्सलवादी है, अगर मुस्लिम आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं आतंकवादी है, और अगर एट्रोसिटी पर हमारे लोग छटपट पर आते हैं तो बोलते हैं राष्ट्रद्रोही है। हमारे कोई किसी प्रकार का कोई भी 4.5 साल में हमारे विकास का कोई बजट पारित नहीं हुआ, बजट नहीं पारित हुआ, संविधान को खतरे में डाल दिया, वोट की चोरी हो रही है, नौजवान बर्बाद हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, और हमें समझाया जाता है कि आपका दुश्मन मुसलमान है, सरकारें तुम चलाते हो और मुसलमान दुश्मन कैसे हो गया? नीतियां तुम बनाते हो, सरकारी कानून तुम बनाते हो, नीतियां तुम बनाते हो, और बोलते हैं मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। मुसलमान कहां से दुश्मन हो गया? अरे 70 कमीशन का रिपोर्ट है, 50% मुस्लिम बच्चे स्कूलों के दरवाजे तक नहीं देखा है, 50% मुस्लिम बच्चे स्कूलों के दरवाजे नहीं देखा है, 70 कमीशन का रिपोर्ट है। जब स्कूलों के दरवाजे ही नहीं देखा, नौकरियों में कहां से जाएंगे? जो मुस्लिम 1947 में 33% नौकरियों में था, अभी 1% हो गया, मुसलमानों का सत्यानाश हो गया, और हमें समझाते हैं मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है। कभी मौन लिचिंग, कभी घर वापसी, कभी घर वापसी, कभी मौन लिचिंग, कभी वंदे मातरम के नाम पर, कभी बीप के गौत्या के नाम पर हमें उलझाया जाता है। जो आपके संविधान को खत्म कर रहे हैं, जो संविधान को सरेआम जला रहे हैं, वो दुश्मन है इस देश के, वो इस देश के दुश्मन है। और संविधान बचाना चाहते हो तो मैदान में आना होगा बीजेपी का बंदोबस्त करने के लिए। बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश में छाई हुई है, और 9 तारीख की रैली के बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। 9 दिसंबर की रैली के बाद क्या हो गया? एक चमत्कार हो गया उत्तर प्रदेश में, सपा हाफ हो गई, बीएसपी भी हाफ हो गई, दोनों आजाद हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन मुक्ति पार्टी। जो 80-80 सीटें लगाते थे, जो इंडिपेंडेंट 80-80 सीटें लगाते थे, आधे आधे पर आ गए ना,
सपा हाफ हो गई, बीएसपी भी हाफ हो गई। और चुनाव के बाद दोनों साफ भी हो जाएगी अगर हमारे मुद्दे नहीं उठाया तो। मैं खुलेआम कहता हूं बहन जी को भी, बहन जी अगर कांशीराम साहब की बात, कांशीराम साहब का बनाया हुआ बहुजन समाज पार्टी चलाते हो तो कांशीराम साहब ने जो मुद्दे उठाए थे बहुजन समाज बनाने के लिए 85% के मुद्दे उठाए थे, जिंदगी और जवानी बहुजनों के लिए लगाए थे, सर्वजनों के लिए नहीं लगाए थे। अपनी जिंदगी जवानी बहुजनों के लिए लगाई थी, सर्वजन के लिए नहीं लगाई थी। उन लोगों ने सोचा होगा कि कांशीराम साहब चले गए और बहुजन विचारधारा खत्म हो गई, ऐसा दुश्मन सोचा होगा। उन्हें मालूम नहीं कांशीराम साहब हमारे जैसे हजारों लोग पैदा करके गए हैं, हजारों लोग हमारे जैसे पैदा करके गए हैं, और जो मुद्दे हम उठा रहे हैं आप क्यों नहीं उठा रहे हो, इनसे डर रहे हो? जाति जनगणना का मुद्दा उठाओ, क्रिमिनल हटाने का मुद्दा उठाओ, संख्या के साथ अनुपात में आरक्षण की बात करो, ईवीएम का मुद्दा उठाओ, क्यों नहीं उठा रहे हो? कोई मना कर रहे हैं क्या? केवल चुनाव के लिए समीकरण बना रहे हो? आप चुनाव में कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे लेकिन जो नीतियां दुश्मनों की है उसका विरोध नहीं करोगे, समाज बर्बाद हो जाएगा और आप राजनीति आपकी चलती रहेगी और समाज बर्बाद हो जाएगा, उसका क्या? ये सामाजिक मुद्दों पर आपको सोचने का है, सामाजिक मुद्दों पर आपको वोट करना है। अगर आप जाति के आधार पर वोट करोगे तो आप वोट तो करोगे लेकिन आपके समाज का कुछ होने वाला नहीं है। हमारा व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं है, नीतिगत विरोध है, व्यक्तिगत किसी से विरोध नहीं है, नीतिगत है। और ये नीतियां अगर आप नहीं बनाते हो, मुद्दे नहीं उठाते हो तो आप बीजेपी के एजेंडा में शामिल हो। मैं बताना चाहता हूं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं इस ईवीएम मशीनों से क्या हो गया है। अरे 19 राज्यों में 16 साल से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बना, गुजरात में नहीं बना, हरियाणा में नहीं बना, पंजाब में नहीं बना, चंडीगढ़ में नहीं बना, हिमाचल में नहीं बना, महाराष्ट्र में नहीं बना, मध्य प्रदेश में नहीं बना, गोवा में नहीं बना, 16-19 राज्यों में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं बना। जहां मुसलमानों की आबादी है वहां बीजेपी जीत जाती है। मुरादाबाद में 45% मुस्लिम है, आज उस दिन चुनाव जीते थे, अब बीजेपी जीत गई। ईवीएम है ना, ईवीएम मशीन है ना, ईवीएम ने मुसलमानों को ज्यादा सत्यानाश कर दिया है। आज भी अगर केवल मुस्लिम वोट चाहिए और मुसलमानों को अधिकार देना नहीं चाहते हो तो मुसलमानों के साथ धोखा करना चाहते हो, चुनाव में धोखा हो जाएगा मुसलमानों के साथ। अगर सवर्णों, अगर ओबीसी का अधिकार, ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते हो धोखा हो जाएगा। पार्वती जी, सवर्ण आरक्षण से किसका नुकसान है बताना चाहता हूं। SC ST का 22.5 है तो 22.5 मिल रहा है संख्या के आधार पर, जनरल को अपनी संख्या से ज्यादा मिल रहा है, जनरल को अपनी संख्या से ज्यादा मिल रहा है, SC ST को भी मिल रहा है, तो बाकी कौन बच गया? ओबीसी, 60% ओबीसी को 27 मिल रहा है, तो ओबीसी का सारा अधिकार कहां जा रहा है? जनरल में ट्रांसफर हो रहा है। क्या ओबीसी नेता को समझ में नहीं आता क्या? क्या अखिलेश जी को समझ में नहीं आता क्या? क्या बहन मायावती को ये बातें समझ में नहीं आती क्या? हमें बताने की जरूरत है? आप 40 साल से राजनीति कर रहे हो, आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती क्या? इसलिए केवल राजनीति स्वार्थ के लिए समीकरण मत बनाओ, सामाजिक मुद्दे शामिल करो मैनिफेस्टो में। और बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो भी मैनिफेस्टो बनाएगी, जो भी मुद्दे उठाएंगे,
100 रुपए के स्टैंप पर लिख कर देंगे, 100 रुपए के स्टैंप पर। भारतीय राजनीति में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम जो कह रहे हैं वो लिख कर देंगे 100 रुपए के स्टैंप पर। और अगर आपकी बात आपके मुद्दे उठाकर आपको वोट लेकर अमल नहीं करते, आप कोर्ट में जा सकते हो कि इन्होंने हमारा वोट दिया, ये एग्रीमेंट किया था 100 रुपए के स्टैंप पर, अब हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आपके पास जो पार्टियां आती है, बहुत सारी पार्टियां आएगी, उनको भी आप कहो 100 रुपए के स्टैंप पर ला, लिख कर दो 100 रुपए के स्टैंप पर। देखते कौन आपके इसकी बात करता है, कौन आपके समाज की बात करता है। साथियों, बीजेपी के पास टाटा बिरला अंबानी का पैसा है, 4.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। मीडिया बताने वाला नहीं है, मीडिया क्या बताएगा? मोदी की लहर है। मीडिया क्या बताएगा? अमित शाह मैनेजमेंट गुरु है। मीडिया क्या बताएगा? बीजेपी बड़ी पार्टी है। क्यों बताएगा? 5000 करोड़ मीडिया को दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट के लिए, 5000 करोड़। तो मीडिया उनकी बोली बोलेगा, मीडिया आपको सही बात बताने वाला नहीं है। मीडिया तारीफ करेगा 56 इंच का सीना। अरे नरेंद्र मोदी जी, आपका सीना 56 इंच का है? आप टीवी चैनल पर और कहो कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, हमें इतराज नहीं है। आ जाओ ना, आपकी तो लहर है। आपके पास मीडिया मैनेज, आपके मैनेजमेंट गुरु है, बड़ी पार्टी है, बैलेट पेपर से क्यों डरते हो? क्यों डरते हो बैलेट पेपर से? आ जाओ मैदान में बैलेट पेपर से, नहीं बताएंगे। मीडिया ये सारी बातें बताने वाली नहीं है। मीडिया हमको मुद्दों में उलझाएगी और हम लोग भी, बीजेपी मीडिया के माध्यम से हवा बनाती है और बाद में चुनावी पैसा, चुनाव में पैसे का बड़े पैमाने पर इंतजाम होता है, बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम होता है। ये आरोप नहीं लगा रहा हो, क्योंकि जमीनें आप उद्योगपतियों को दे रहे हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन में आपने छोड़ दी रिलायंस का हवाई जहाज चलाया था, रिलायंस वाले ने मुफ्त में दे दिया। आप बीएसएनएल को खत्म कर दिया, जियो को आबाद कर दिया। हवा बनाएगा मीडिया, पैसा बांटने की पार्टियां। एक वोट का आपको 500,000 रुपया भी मिलेगा, लेकिन भ्रम में मत आना। मुझे यहां का मालूम नहीं है, मैं पूछता हूं, यहां बढ़िया भैंस लेनी हो तो कितनी कीमत है? भैंस अगर बढ़िया लेनी हो कितनी कीमत है? हर समय 1 लाख रुपया। अगर बढ़िया गाय लेनी हो तो 50,000। अगर बकरी लेनी हो तो 10,000। आजकल मार्केट में कुत्ते बिकते मालूम है, कुत्ते बिकते हैं। कुत्तों की कीमत भी 5-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार। भैंस की कीमत 1 लाख, गाय की कीमत 50,000, बकरी की कीमत 10,000, कुत्ते की कीमत 5,000। और हमारे लोग की कीमत कितनी होती है चुनाव में? 500। 5 साल का 500, 12 महीने का 100 रुपया और महीने का 8 रुपया, रोज का 54। भिखारी 25 पैसे लेता है क्या भीख में? 54 में आप उनको राजा बनाते हो, 54 में आप मालिक बनाते हो उन लोगों को। और 500 भी ज्यादा बोल दिया है। आजकल वो चल रहा है, क्या चल रहा है? पैसा कीमत कितना है आपको मालूम है? आप पीते हो 65 रुपया 5 साल में। अरे वो आपको शराब पिलाएंगे, इंग्लिश पिलाएंगे, एक बार शराब पिलाएंगे, 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे, याद रखना, 5 साल आपके बच्चों का खून पिएंगे। वो आपको पैसे से वोट खरीदेंगे,
आप सोचोगे 500 मिलवाना 1000 मिलवाना है। अरे वोट बेचना बेटी को बेचने के बराबर है, ऐसा कांसीराम साहब कहा करते थे। एक वोट बेचना बेटी के बराबर है, तुम तो हजारों वोट का एक टिकट बनता है, टिकट बेच रहे हो। कंसोलिडेट वोट, टिकट का मतलब है कंसोलिडेट वोट, टिकट का मतलब होता है कंसोलिडेट वोट कि भाई ये टिकट लूंगा 10 करोड़ 15 करोड़ में तो इतना वोट तो मेरा मिल जाएगा। तुम टिकट हजारों वोट बेच रहे हो, एक साथ लाखों वोट बेच रहे हो टिकट के नाम पर। आपने वोट बेचा, आपने वोट बेचा, आप अपने बच्चों का भविष्य समाप्त कर रहे हो। 2019 का चुनाव भारतीय संविधान को बचाने का चुनाव है, 2019 का चुनाव आपके आरक्षण को बचाने का चुनाव है, 2019 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, 2019 का चुनाव आने वाली पीढ़ियों को बचाने का चुनाव है। चुनाव सामान्य नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। और ये लड़ाई हम लोग जो लड़े हैं, ये आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़े हैं, तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए, ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए, आप लोग साथ दोगे, आप लोग साथ दोगे। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में ये माहौल है। और ये माहौल 2019 के चुनाव में बीजेपी को मैदान में आने नहीं देंगे, बिल्कुल बीजेपी को साफ करेंगे, पूरे भारत से साफ करेंगे। और इसमें आपका समर्थन चाहिए, आप समर्थन करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना है, मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद, जय मूलवासी।